पर तो कॉफ करना पड़ रहा है, गर्मी हाल बेहाल। सो जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैं साफ़ी का 21 डेज चैलेंज को लिया था, आज वो 21 डेज कंप्लीट हुए हैं। ये जो साफ़ी है ये हमदर्द की है और इसके अंदर सभी के सभी, तुम जैसा देख सकते हो इधर, सभी के सभी नेचुरल चीज़ें ही हैं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सो मैंने 21 डेज को चैलेंज को कंप्लीट किया है और मैं रेडी हूँ रिजल्ट दिखाने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माय साफी 21 डेज डिटॉक्स चैलेंज। लेट मी शो यू माय फेस। एज यू कैन सी, मेरे पे कोई भी तुम्हें पिंपल्स नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम है वो वाइट हेड्स की है। मुझे वाइट हेड्स इधर आते हैं, तुम देख सकते हो, मैंने उनके साथ छेड़छाड़ किया है इसलिए इधर उनके स्कार्स भी हैं। सेम इधर भी हैं, फोरहेड पर भी हैं वाइट हेड्स, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, इधर नीचे भी देख लो यार। तो मैं पूरा ये 21 डेज चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। मैंने जब और रिसर्च किया तो मुझे पता चला था कि ये वेट लॉस भी करता है, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम होगी यार, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत गेन कर पाता हूँ। ओके, फर्स्ट लेट्स चेक द वेट। सुबह है, कुछ भी नहीं किया हूँ अभी, बस सिर्फ साफ़ी गया अंदर, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि अभी मेरा करंट वेट क्या है। ओके, एज यू सी माई वेट इज़ करंट नियर अबाउट 62.32, इट्स 62 केजी ऑलमोस्ट। दिस वन गोज आउट टू ऑल द सिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड रॉकिंग दे बग विद प्राइड द होल वर्ल्ड नो हु वी आर। एक सीट पे कभी नहीं कुछ आराम से बैठ कर। कड़वा भी है। तो फाइनली आज का भी अपना वेट चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि वेट अभी भी 62 है, बट एक्चुअली में वेट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अभी पिछले वीक में अच्छी खासी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ था। और मैंने जब साफ़ी चैलेंज लिया था तो उसी समय मैं वापस से वर्कआउट करना भी स्टार्ट किया था जिसकी वजह से मेरा वेट कम हुआ था। उसी कम से कम एक हफ्ते के अंदर ही 1.5 kg करीब करीब कम हुआ था, लेकिन वापस अभी देख रहा हूँ, दिख रहा है। मैं भी शायद कपड़े उपड़े डाले हूँ या कुछ और फैक्टर हो, बट हाँ थोड़ा बहुत मेरा वेट लॉस हुआ है, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अब बात करते हैं स्किन की। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो ये कोई ऐसा क्रीम या ट्रीटमेंट नहीं था जिसके थ्रू आप गोरे हो जाओ, ये बस एक कह सकते हो कि नेचुरल हर्ब्स था जो आपके स्किन के अंदर जो भी कमियां हो उसको पूरा करता। मेरे बहुत ड्राई लगते थे, अब वह उसके ऊपर ग्लो ला दिया है। और कोई ऐसा नहीं था कि मेरा जैसे पिंपल्स वम्पल्स तो मुझे होते ही नहीं थे, मैंने बताया था पहले भी कि मुझे वाइट हेड्स के प्रॉब्लम थे, वो कम नहीं हुए हैं। हाँ वो कम नहीं हुए हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। यार गर्मी बहुत है, पर वीडियो तो कंप्लीट करनी थी इसलिए शूट कर रहा हूँ। सो साफ़ी जो है ये फ़ायदा करता है सच में, इम्यूनिटी मेरी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया था, ये कर दिया था कि कर दिया है। और स्किन के ऊपर ये ग्लो लाता है, ऐसा कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जिसके थ्रू ये हमें गोरा कर दे। तो अगर कि साफ़ी को लेकर आपके मन में ऐसा मित होगा तो उसे प्लीज़ हटा दीजिएगा। और क्या, सब ठीक है, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कि तुम्हें ये रिव्यू समझ में आया, मैं देखो मैं बहुत शॉर्ट में रखा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, अगर कि तुम्हें ये रिव्यू समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, एक कमेंट नीचे ड्रॉप कर देना।